खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज दिन की शुरुआत में ही आपको हम ऐसी खबर दे रहे हैं जो शायद आपको बहुत अच्छी ना लगे सुनने में, और सुबह सुबह जिस रसोई गैस में इस वक्त आपकी चाय उबल रही है वो रसोई गैस मान लीजिए नए साल में हो गई है महंगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 19 रुपए बढ़ गई है। गैस का सवाल है, लेडीज लोग गैस पे ही डिपेंड है, पूरा किचन का से ही कंट्रोल होता है पूरा फैमिली, और वहाँ पे 19 रुपया बढ़ना बहुत ही मायने रखता है हम लोगों के लिए, हम लोगों के बजट पे बहुत ही असर पड़ेगा। सिर्फ गैस का रहता तब तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन सारा चीज बढ़ा हुआ है। अब बोलने का भी मन नहीं करता है कि हाँ महंगाई है या ये है। अब समझिए, हमको लगता है कि जो है पब्लिक भी इसको मान लिया है कि ऐसा ही मतलब चलेगा। मैंने चाहिए सरकार के जाके धरना देंगे और क्या करेंगे, जा करके बैठेंगे हम लोग सब महिलाओं मिल करके, कहिए कि हम लोग को कम कराइए, करिए कि जिससे हम लोग अपना गृहस्थी चलाए। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अब 714 रुपए में मिलेगा, दिसंबर में इसकी कीमत 695 रुपए थी। मुंबई में यही गैस सिलेंडर 684 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 665 रुपए थी। कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 725 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 747 रुपए हो गई है। चेन्नई में गैस सिलेंडर की कीमत 714 रुपए से बढ़कर 734 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, 5 महीनों में गैस सिलेंडर की कीमत करीब 140 रुपए बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़े, बाजार के दाम पर सरकार जीएसटी लगाएगी, अगर दाम बढ़े तो सरकार सब्सिडी भी बढ़ाएगी। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपभोक्ता को इसका कोई फायदा नहीं होगा। भारत सरकार ने इस देश की आम जनता को फिर से एक धक्का दिया है, रेलवे टिकट का दाम बढ़ा दिया, एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। भारत सरकार गरीब विरोधी सरकार है, इससे आम आदमी की पीड़ा और बढ़ेगी।